फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 31 के बारे में, जो गणित विषय और कक्षा 6 की है। आज की तिथि क्या है, 25/10/2021 है। यहाँ पर आपको अपना नेम या अपनी टीचर का नेम लिखना है। इस वर्कशीट को चालू करने से पहले बच्चों बता दूं कि लास्ट वीक के विनर का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। अगर आप भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और विन करना चाहते हो कई प्राइसेस को, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। साथ ही साथ ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन का विनर भी अनाउंस कर दिया गया है। उसी तरीके से हमने एक राइटिंग कंपटीशन चालू करा है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कमेंट में आप राइटिंग लिखिए, हम आपको लिंक देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएंगे। और ड्राइंग कंपटीशन के विनर का अनाउंसमेंट किया जा चुका है, उसका गिफ्ट भी जल्दी पार्सल कर दिया जाएगा। तो वीकली कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें चैनल को, हमारे लिंक को, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें बेटा, ठीक है। जो ऐसा बच्चा करता है उसको क्या है, संडे को विनर अनाउंस किया जाता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है प्रज्ञोकी ज्यामितीय त्रिभुज और उसके प्रकार के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। परिचय, त्रिभुज भुजाओं वाले, तीन भुजाओं वाले बहुभुज की त्रिभुज कहते हैं। इनके तीन क्या हैं, आ संकीर्ण रेखाएं बिंदुओं के जुड़ने से बनती हैं और इन बिंदुओं को त्रिभुज का शीर्ष कहते हैं। कोणों के दो भुजाओं के बीच के कोण क्या होते हैं, दो भुजाओं के बीच के जो होते हैं उसे कोण बोला जाता है, और तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। यदि ए बी सी त्रिभुज है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी के रूप में दर्शाया जाएगा। शीर्ष क्या हो जाएगा, शीर्ष ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा बेटा, ध्यान रखिएगा, कोण क्या हो जाएगा, कोण ए हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा और कोण सी भी हो जाएगा, और भुजाएँ ए बी हो जाएंगी और ए सी हो जाएगी और बी सी हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे बोला गया है भुजाओं के आधार पर क्या है, त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर अगर हम त्रिभुज के प्रकार देखें तो वो तीन प्रकार के होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं और समविबाहु त्रिभुज होते हैं। तो चलिए देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं वाला एक त्रिभुज होता है जिसकी लंबाई क्या होती है, तीनों की लंबाई अलग अलग होती है। यानी दो तीन चार मान लो इनकी लंबाई है तो ये क्या है, एक दूसरे से अलग है। और जो समाद विबाहु त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है बेटा, इनकी दो भुजाएं क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं, तीसरी नहीं होती। और जो समबाहु त्रिभुज होता है उनकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, एक समान होती हैं, एक बराबर की होती हैं। यानी कि मान लो ये दो है तो दो और दो की ये भी होगी, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या है, कोणों के आधार पर अगर हम त्रिभुज को देखें तो ये तीन प्रकार के होते हैं, एक निम्न कोण त्रिभुज, एक अधिक कोण त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज। निम्न या न्यून्य कोण त्रिभुज क्या होता है, जब 90 से क्या है कम कोण सभी बनाएं तो उन्हें बोलते हैं न्यून्य कोण त्रिभुज। जब क्या हो बेटा, जब सभी कोणों में एक कोण क्या हो 90 से अधिक और 180 से कम हो तो वो अधिक कोण कहलाता है। और सम कोण त्रिभुज क्या होता है, जब एक कोण 90 का हो, ठीक है, कोई एक कोण भी 90 का हो। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों के अभ्यास में क्या कहा गया है। इसमें भुजाओं और कोणों के आधार पर क्या है, इनकी पहचान करनी है। तो देखो बेटा नीचे क्या है, एक 90 से बड़ा है, इसकी वजह से ये क्या हो गया, न्यून्य कोण त्रिभुज हो गया। ये आपका किस में आ जाएगा बेटा, ये पूरा आप ए के आंसर के रूप में लिख दोगे। इसके बाद आपका ये वाला जो त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएँ क्या हैं, अलग अलग हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, जो क्या हो जाएगा बी, बी में आप ये नेम लिख दोगे, ठीक है बेटा। अगला चलो देखते हैं अगला क्या है, अगला आपका प्रश्न है सी वाला, ठीक है। सी में देखो क्या बोला गया, 64, 28 और 88। तो बेटा यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये तीनों क्या हैं, 90 से छोटे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, निम्न कोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसको उत्तर के रूप में लिख दोगे, ठीक है, सी में। इसके बाद क्या है, एक इसमें आपको दिखेगा 90 से बड़ा और बाकी 90 से छोटे। जब एक 90 से बड़ा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, ये डी में आप लिख दोगे। इसके बाद यहाँ पर तीनों भुजाएँ क्या हैं, बराबर हैं। जब तीनों भुजाएँ बराबर होंगी तो वो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये ई में उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे बेटा आपका अगला, अगला देखो, एक 45 से एक 90 है, ठीक है, और दो 45 के हैं, तो ये सम कोण त्रिभुज हो जाएगा बेटा। ये एफ में आप उत्तर के रूप में लिख देना, ठीक है। आगे आपकी कार्यपत्रिका क्या होती है, यहीं पर होती है समाप्त। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट कर बताना, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना। धन्यवाद बच्चों।